फीस uh, कम है और आर काफ़ी अच्छा है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोसेस को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं ताल, तो अल्ट्राइम लेवल बेस्ट टू आंसर ऑल पॉसिबल क्वेश्चन गेट स्टार्टेड वेलकम बैक एंड वी स्टार्ट विद द रिव्यू दिस इज बेसिकली द कैंपस काफ़ी बड़ा कैंपस है आप बहुत बार uh, अगर हम बात करें तो uh, न्यूज़ में भी सुन चुके हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में पर अभी मैं इसके एम बी ए को रिव्यू करने वाली हूँ बिकॉज अगेन यू नो दैट्स माई जॉब टू मेक रिव्यूज अबाउट कॉलेजेस वी स्टार्ट विद दिस अबाउट आई मीन काफ़ी पुराना ऑटोनॉमस यू नो सेंटर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है एंड uh, अगर हम अबाउट की बात करें तो यू नो नोन है जामिया मिलिया इस्लामिया एम बी ए right? हाई राइट दो साल का कोर्स कराता है फीस जो है फोर्टी सेवन थाउजेंड से टू लाख के बीच में रहती है हम डिटेल में भी बात करेंगे नंबर स्पेशलाइजेशन पास है फाइव uh, है राइट right? उसके अलावा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है इनका खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसके बेसिस पे कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं तो अगर हम बात करें तो ये कुछ रैंकिंग है दैट uh, अगर हम uh, uh, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाई द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट नाइनटीन एटी एट राइट नाइनटीन सिक्सटी में यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन डिक्लेर जामिया डीम्ड यूनिवर्सिटी थर्टी फाइव में फाउंडेशन स्टोन वॉज लेड एट ओखला जामिया मूव टू करोलबाग न्यू डेली ट्वेंटी में फाउंडेशन स्टो जा इस्लामियान उसके बाद दो हज़ार सात में स्टैब्लिश ऑफ सेंटर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड सेंटर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड टॉप थर्टी फोर प्रीमियम बी स्कूल इन इंडिया थर्टी फोर्थ रैंक करता है एस पर एन आई आर एफ रैंकिंग राइट एन आई आर एफ की रैंकिंग का फ्रेमवर्क मैं आपको बता दूं प्लेसमेंट बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं होती है बट पढ़ाई एक्सपोजर करिकुलम डाइवर्सिटी ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं बट इसका प्लेसमेंट भी जो है वो काफ़ी अच्छा है जैसा मैंने स्टूडेंट से बात किया तो हम उसको भी आगे डिस्कस करेंगे बट दैट्स बेसिकली द ओवरऑल रैंकिंग बाकी रैंकिंग हम डिस्कस नहीं करते हैं हम उस पर नहीं जाते हैं अब हम प्रोग्राम्स की बात करते हैं एम बी कराता है फुल टाइम कराता है एग्जीक्यूटिव कराता है ऑन्टरप्रीनोरशिप एंड फैमिली बिजनेस कराता है जो सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड कोर्स होता है वो उनका फुल टाइम रहता है एज पर स्टूडेंट जिनसे मैंने बात की मैंने फुल टाइम कोर्स वाले स्टूडेंट्स से बात

राइट दैट इज़ फ़ फिफ़्टी परसेंट टाइल होना चाहिए देन उसके बाद अगर आप फार्मास्यूटिकल में तो मेडिकल फार्मेसी बायोटेक ये अंडर अंडरग्रैज में होना चाहिए राइट तो फिफ़्टी परसेंट टाइल होना चाहिए देन उसके बाद अगर हम बात करें तो इनका ख़ुद का एग्ज़ाम होता है राइट अगर हम जामिया मिलिया की बात करें तो दे हैव देयर ओन एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसके बेसिस पे यू नो जामिया एम करके एक एग्ज़ाम होता है जिसके बेसिस पे कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिलता है वन सेवेंटी रिटर्न होता है और जो सेफ स्कोर होता है जनरल के स्टूडेंट्स का वो कहीं ना कहीं एटी होता है

में एक है ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा एकदम सही कहा पंडित जी हमें रिश्ता मंजूर है अरे बेटा क्या देख रहा है यार छोलू गुप्ता जी लपक लपक लो लो नहीं आपके साथ तो ये नहीं बिफोर टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज गेट रियलिटी ऑफ इट स्टूडेंट खबरी हर कॉलेज की खबर तो अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे बैठ क्वाइट स्पेसिफिकली यू नो इलेबरेटेड अगर आप फुल टाइम देखेंगे चार सेमेस्टर से सिक्सटी सीट ट्वेंटी थ्री थाउजेंड जो है फाइव हंड्रेड जो है फीस है मैं जो स्टूडेंट से बात कर रही थी वो फुल टाइम एम बी ए ही कर रहा था तो उसको फर्स्ट ईयर ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड फीस लगी थी सेकेंड ईयर की फीस ट्वेल्व थाउजेंड टू हंड्रेड है इसमें हॉस्टल इंक्लूडेड नहीं है हॉस्टल की फीस भी अगर हम बात करें तो आई थिंक आई वाट आज दिस क्वेश्चन नाइन थाउजेंड ईयरली लगता है और तीन हजार रुपये आस पास आपको मैस मंथली पे करना पड़ता है तो ये फीस है अगर आप एम बी एग्जीक्यूटिव सेल्फ फाइनेंस लोगे तो उसमें सेवेंटी सीट्स है फर्स्ट सेमेस्टर ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेकेंड सेमेस्टर जो है तो तो

प्लेसमेंट ब्रोशर एट बिगिनिंग ऑफ सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर आई बी स्टूडेंट विल है जो आपको पे करनी पड़ेगी ऐसे ही टूरिज्म to, हॉस्पिटलिटी uh, के लिए भी फोर्टी थाउजेंड फर्स्ट ईयर फीस है फोर्टी थाउजेंड फ़ीस है सिक्स थर्टी फाइव यू नो अगर आप नहीं ये फिर इनके बैचलर्स कोर्सेज हैं अगर आप हेल्थ केयर में देखोगे तो वन लाख फाइव थाउजेंड फीस हैं एम बी ए हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट में नाउ कट ऑफ की बात करें तो यू uh, नो you know, मैं जिस स्टूडेंट से बात रही थी ही मैंशन की वन सेवेंटी का रिटर्न होता है जनरल के लिए एटी एटी फाइव जो है वो सेफ साइड होता है तो यहाँ पे भी जो कट ऑफ लिखा हुआ है वो एटी फाइव पॉइंट फाइव है ऑन्ट्रप्रीनोरशिप में सेवेंटी सिक्स पॉइंट फाइव है आई बी में सेवेंटी नाइन पॉइंट फाइव है और हेल्थ केयर में वन जीरो थ्री पॉइंट सेवन फाइव है कट ऑफ सो uh, so अगर हम आई बैच प्रोफाइल की बात करें तो 73 हैं 52 मेल हैं 21 फीमेल हैं एक और क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट से स्पेसिफिकली पूछा था कि क्या सारे स्टूडेंट्स मुस्लिम्स हैं तो दे साइड कि इवन जैसे 60 स्टूडेंट्स का जो बैच जनरल में उसमें 50 स्टूडेंट्स जो है वो नॉन मुस्लिम हैं बट हाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स हैं राइट वेन इट कम्स टू जामिया मिलिया इस्लामिया एंड मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था क्या बहुत ऑर्थोडॉक्स है तो ये साइड कि बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स नहीं है मैन I इन्वायरमेंट mean, जो है वो काफ़ी फ्रेंडली है एंड बैकग्राउंड में बीटेक के हैं बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए कॉम सारे बैकग्राउंड्स के फुल टाइम में बात करें फोर्टी फाइव मेल्स हैं ट्वेंटी टू फीमेल्स हैं एंड यहाँ पे भी ये बाईफन है बी टैक स्टूडेंट्स हैं बी एस सी बी कॉम बी बी ए बी एंड बी एस सी से फुल टाइम में यू नो मेजर थर्टी फाइव मार्केटिंग ट्वेंटी वन फाइनेंस एंड एच आर एलेवन माइनर में फोर्टी वन ऑपरेशन टेन मार्केटिंग एच आर नाइन एंड आई बी जो है वो सेवन स्टूडेंट्स है नॉन ऑफिशियल प्लेसमेंट मतलब ये ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं वाले प्लेसमेंट है जो स्टूडेंट्स से हमने इंट्रैक्ट किया अभी 2023 की प्लेसमेंट्स की मैं बात करी थी स्टूडेंट्स और तो डीमेंशन की एवरेज जो है वो 11 12 का है अभी प्लेसमेंट क्योंकि चल रहा है तो इसलिए ये फिगर्स जो है एग्जैक्ट नहीं है हाईएस्ट 25 लाख का है लैंडमार्क में गया फिर वही कंपनी दोबारा ही उसने इवन 16 का पैकेज भी स्टूडेंट्स को ऑफर किया देन फोर्टीन का पैकेज भी ऑफर किया कंपनीज ई वाई बेर एन कंपनी की फिर कंसल्टिंग की आपको मिक्स एंड मैच सारी कंपनीज मिलेंगी और जो जनरल में हम सिक्सटी स्टूडेंट्स के बैच की बात करें तो उसमें से फोर्टी फाइव स्टूडेंट फोर्टी फाइव से फिफ्टी स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं अभी कुछ स्टूडेंट्स बचे हुए हैं ये नॉन ऑफिशियल प्लेसमेंट ट्वेंटी टू का था जहाँ पर एटी एट परसेंट प्लेसमेंट था हाईय सैलरी ट्वेंटी फाइव की मेंशन की थी एवरेज जो है एट पॉइंट एट और मीडियम भी एट लाख की बट इस साल स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जो एमीडियन पैकेज रहा है वो दस ग्यारह लाख के आसपास का रहा है वगैरह तो आप फीस भी देखो तो आपका यू नो फीस पचास से भी कम का इन्वेस्टमेंट है अगर हम हॉस्टल भी मिला लें सब कुछ मिला लें तो भी मेरे हिसाब से दो लाख से ज़्यादा का दो साल का इन्वेस्टमेंट नहीं है उसके अगेंस्ट आर जो है वो काफ़ी अच्छा है मैंने एक और क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछा था कि एक्सपोजर कैसा है मतलब क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉलेजेस देखे जिनकी फीस कम होती है तो फैकल्टीज और करिकुलम जो है वो उतना प्रैक्टिकल नहीं होता जैसे मैंने इसी के जैसा एक कॉलेज ए एमयू से के भी बच्चों से बात की थी तो वो हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पर डिस्कस करेंगे बट इसको लेके बच्चों ने कहा फैकल्टीज काफ़ी अच्छी हैं काफ़ी यू नो रिनाउंड फैकल्टीज है एक्सपोजर uh, you know, अच्छा है कई सारे फैकल्टीज जो हैं एस आर सी सी से हैं आई एम्स में गेस्ट फैकल्टी जाते हैं तो फैकल्टीज काफ़ी अच्छे हैं ओवरऑल इन्वायरमेंट भी अच्छा है बट अगेन कंसर्न क्या है आपकी लिस्ट में कौन से कॉलेजेस हैं ये कॉलेज वही बच्चा देखेगा जो कहीं ना कहीं आर ओ आई वाई कॉलेज देख रहा है तो वो आपको देखना है उसके लिए अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए कोई हेल्प चाहिए तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं आर बेसिकली कंपनीज राइट फ्रॉम एक्सिस बैंक टू स्विगी टू एच सी एल टू एस एन टी ग्लोबल टू तो न्यू जेन टी सी टी सी एस एस बहुत सारी कंपनीज तो आती हैं एंड uh, ये कुछ वर्कशॉप है जो कंडक्ट कराते हैं डेटा साइंस ए आई राइट म्यूचुअल फंड एक्सपेक्ट सेशन एच डी एफ सी वर्कशॉप ऑन डिजिटल मार्केटिंग एंड लॉट मोर एंड दीज आर बी फैकल्टीज टू फिफ्टी प्लस ईयर्स ऑफ टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस ट्वेंटी ईयर्स ऑफ एवरेज टीचिंग एक्सपीरियंस मतलब इतना बीस साल से प्लस का एक्सपीरियंस है फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन परमनेंट फैकल्टी और सेवनटीन गेस्ट फैकल्टी कैम्पस में आपको लाइब्रेरी आई मीन आइटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर आप सभी को पता है सभी जानते हैं आई I मीन mean, काफ़ी अच्छा है And that's all about this episode. Do let me know your feedback in the comment section below. Do not forget to like, share, and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.